टीवी के गजोधर भैया अब इस दुनिया में नहीं है। राजू श्रीवास्तव ने करोड़ों लोगों के दिलों में राज किया, लेकिन किससे मालूम था कि यही दिल की बीमारी उन्हें उनके चाहने वालों से दूर ले जाएगी। डेढ़ महीने तक वेंटिलेटर पर रहे राजू 22 सितंबर के दिन जिंदगी की जंग हार गए। अपने पीछे जहां राजू बीवी और दो बच्चों को अकेला छोड़ गए, तो वहीं करोड़ों की संपत्ति छोड़कर काल के गाल में समा गए। राजू को प्यार से गजोधर भैया भी कहा जाता था। वहीं अपने चुटकुलों से हर किसी को गुदगुदा देने वाले राजू श्रीवास्तव एक ऐसी हस्ती रहे जो गरीबी से उठकर एक स्टार बने। आज वो किसी पहचान के मोहताज नहीं थे, लेकिन एक वक्त था जब उन्होंने गरीबी में रहकर अपना समय काटा। आलम यह था कि वो ऑटो चलाकर अपना गुजारा किया करते थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से आने वाले राजू श्रीवास्तव ने अपनी मेहनत के दम पर अपनी पहचान बनाई। राजू का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिता मेश चंद्र श्रीवास्तव थे, जो खुद एक कवि थे, लेकिन उनका परिवार आर्थिक तौर पर ज्यादा मजबूत नहीं था। उस समय उन्होंने गरीबी में अपना वक्त बिताया, लेकिन कुछ कर गुजरने की लगन तो राजू के मन में बचपन से ही थी। बचपन से ही वो मिमिक्री किया करते थे। स्ट्रगल के दिनों में बच्चन साहब की मिमिक्री करके वो पैसा कमाते थे। बचपन में ही उन्होंने कॉमेडियन बनने का फैसला कर लिया था, और फिर करियर शुरू करने के लिए राजू श्रीवास्तव ने कई स्टेज शो टीवी शोज में काम किया। शुरुआती वक्त में राजू ने अपना खर्चा उठाने के लिए ऑटो भी चलाया। उन्हें पहला ब्रेक भी ऑटो में बैठी एक सवारी की वजह से मिला। फिर उन्हें शो मिलने शुरू हुए तो उन्होंने 50 रुपए में कॉमेडी की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी शो टी टाइम मनोरंजन से की। इसके बाद छोटे पर्दे पर द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज आया तो उन्हें पहचान मिलने लगी। इसी की बदौलत उन्होंने नाम के साथ साथ पैसा भी खूब कमाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 58 साल के राजू श्रीवास्तव एक शो के लिए लाखों की फीस चार्ज करते थे। वहीं राजू श्रीवास्तव तकरीबन 15 से 20 करोड़ की संपत्ति के मालिक थे। राजू ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए भी मोटी रकम लेते थे। राजू श्रीवास्तव की कमाई का मुख्य जरिया कॉमेडी ही था। इसके अलावा एक्टर ने अपना ऑडियो वीडियो सीरीज भी निकाला था, जिससे भी वो अच्छी खासी कमाई करते थे। भारत के साथ साथ वो विदेशों में भी शो करते थे। YouTube के जरिए भी राजू श्रीवास्तव की कमाई होती थी। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक राजू श्रीवास्तव का कार कलेक्शन भी शानदार रहा। उनके कलेक्शन में ऑडी Q7 शामिल थी, जिसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 90 लाख रुपए है। इसके अलावा वो BMW 3 सीरीज कार के मालिक रहे, जिसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 40 लाख रुपए है। इसके अलावा उनके पास एक इनोवा कार भी रही। साथ ही वो एक आलिशान घर में परिवार के साथ रहते थे। राजू के परिवार के बारे में बात करें तो राजू श्रीवास्तव ने साल 1993 में शिखा श्रीवास्तव से शादी की थी। वो दो बच्चों के पिता थे। उनके बेटे का नाम आयुष्मान श्रीवास्तव और बेटी का नाम अंतरा है। बहरहाल बीते 41 दिन से वेंटिलेटर पर मौत से जंग लड़ रहे राजू श्रीवास्तव ने आज अपनी अंतिम सांस ली है। राजू श्रीवास्तव की मौत की खबर सामने आने के बाद से ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। हर कोई नम आंखों से राजू को श्रद्धांजलि दे रहा है। राजू श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा जमाने में याद रखी जाएंगी।